नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले अजहर इकबाल शार्क टैंक इंडिया 3 के नए जज बनाए गए हैं। टीवी शो ने अपने विभिन्न अधिकारी सोशल मीडिया हैंडल से शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। अजहर इकबाल इन शॉर्ट्स नामक कंपनी के CEO हैं। इन शॉर्ट्स एक समाचार एक चित्रण एप्लीकेशन है जो हर खबर को 60 शब्दों में संक्षिप्त कर पेश करता है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित शार्क टैंक इंडिया एक बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज है। ये अमेरिकी कार्यक्रम है। शार्क टैंक के भारतीय रूपांतरण के रूप में कार्य करता है। इस शो में उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स के सामने अपने व्यासिक के विचार प्रस्तुत करते हैं। इन निवेशकों को शार्क कहा जाता है। कुछ सवाल जवाब के बाद ये शार्क उन कंपनी में निवेश करने पर विचार विमर्श करते हैं। शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन 20 दिसंबर साल 2021 से 4 फरवरी सर 2022 तक प्रसारित हुआ था। इसका दूसरा सीजन 2 जनवरी साल 2023 से 10 मार्च साल 2023 तक आया था। अब सीजन 3 आने वाला है। अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, गजल अजल, विनीता सिंह और अमित जैन पहले उद्यमी इस शो के जज यही थे। आगामी सीजन के लिए शो के नए ओयो के CEO रितेश अग्रवाल और जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल के नाम की घोषणा हो चुकी है। अजहर इकबाल बिहार के किशनगंज जिले के अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने किशनगंज शहर से ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई दिल्ली के निजी स्कूल से करने के बाद उन्होंने IIT जी में 600 के आसपास ऑल इंडिया रैंक हासिल किया और फिर IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। वहीं पर इकबाल ने न्यूज़ इन शॉर्ट्स नामे के फेसबुक पेज की शुरुआत की। साल 2013 में अपने साथी दीपक और अनुनय अरुण रहान के साथ मिलकर उन्होंने इन शॉर्ट्स ऐप लॉन्च किया। इसके लिए इकबाल ने 3 साल में ही IIT दिल्ली की इंटीग्रेट एमटेक ने मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। साल 2019 में उन्होंने पब्लिक ऐप लॉन्च किया। इन शॉर्ट्स के पास आज $165 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग है। कंपनी का वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो $550 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यहाँ 500 से ज़्यादा लोग काम भी करते हैं। इन शॉर्ट्स का ऑफिस नोएडा में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।